आज अपनी मर्जी से पहनी है इसने फ्रॉक, ये बोल करके कह के पहनी है कह के। Hey guys, welcome back to the new vlog. 2:30 बज रहे हैं, खाना रेडी है दिन का। आज हरी सब्जी बनी है, अब इसमें हरा क्या क्या डाला हुआ ये पता नहीं मुझे। क्या क्या है इसके अंदर? पालक है, मेथी है, बथुआ है और गजरा। गजर गजरा गजरा तो गजरा भी है कुछ। गजरा में क्या है? गजरा क्या चीज होती है? गाजर के गाजर के पत्ते। अच्छा, उसको गजरा बोलते हैं? गाजर के जो ऊपर लगी होती है ना, जैसे मेथी है। मक्के का आटा तो वही वाला है क्या? उसको छाना है तो पहले पापा को परोस रहे। पापा कौन सा? कोई ले जाओ। बालकनी में बहुत अच्छी धूप निकल रही है, रेडी है ना बालकनी में बैठे हुए। क्या काम आ रहा है? मैट। हाँ, जब तक चल रहा है तब तक तो देखो। मैट लेकर किसी में बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, बहुत ही घटिया क्वालिटी है। उसके रिटर्न करने से पहले मीशो ने उसको कुतर दिया, फाड़ दिया उसको। अब जो चल रहा है जितना चल रहा है वो चलाएंगे उसको। हाँ, ये मैं ले जाऊँ। सर्दियों में बाजरा मक्का की रोटी खानी चाहिए, और ये साग है तो सर्दियों में बेस्ट रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये साग जो होता है पालक बथुआ मेथी सब वगैरह ये सब सर्दियों में अच्छा आता है। और जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है उस हिसाब से बाजरे की रोटी और मक्का की रोटी शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ठंड ज्यादा पड़ती है तो शरीर के अंदर जब दर्द होता है पाँव में हाथों में, जैसे मेरे कल परसों हो रहा था दर्द थोड़ा सा, जब मैं अगले दिन जब मैं धूप में बैठा, हिना जी के भी हो रहा था धूप में बैठे हम दोनों, तो थोड़ा तब जाके आराम मिला। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, मम्मी ने इसमें इतनी मिर्ची डाल दी। कैसे डाली? लंच का टाइम पर हुआ ही नहीं। ओहो हो, कितनी मिर्ची डाली हमारी तो मतलब ना निकल गई भयंकर। हिना जी ने तो घी डाल लिया उसके अंदर, इतनी मिर्ची थी। बताओ हिना जी अपनी जुबानी ये बोल रही है? हाँ बोल रही है। अरे बोल रही है हाँ, है ना? हाँ बोल रहे हम। हाँ देखो ही बोला। हाँ बोला। खुश हर बार फोन में लगना जरूरी है? नहीं फोन नहीं मिलेगा। अरे यार फिर सो क्या है ये? क्या ना तैयार करके आप ऐसे कर रहे हो, मूड खराब कर दोगे फिर। मैं आपको तीन चार बार आके इतनी शानदार नींद आ गई थी मेरे को और जगा दिया मुझे। अब तो खुद ही बोल रहे थे कि मैं सो नहीं रहा। तो थोड़ी सी नींद दी थी मैंने तो। क्यों फिर सोए जब शानदार नींद आ रही है? अब सब तैयार हो रहे हैं। अब सब तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, पापा जी पहले चले गए पार्क, अब हम जाएंगे। अभी मीशो को थोड़ा खिलाना था इसलिए मीशो को, मीशो मैं और मम्मी जी और हिना जी हम सभी साथ जाएंगे। चलो रेडी हो गए मीशो, इधर फेसलिंग करूं जल्दी से। चलो मम्मी के नाम से कितना सोना काका बन जाता है ये देखो जरा। अपनी सीट पे बैठ के और मीशो ने बेल्ट लगा ली। हाँ देखो दादी जी, देखो दादू जी पास चल रहे हैं, दादू जी पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपना मास्क लगाओ। क्या है तो उससे? अरे मेरे पीछे आ रहे हैं। आज वो क्या डर के मरने चला गया। आजा 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 आजा। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? तो साथी बुला रहे, जाओ जाओ बुला रहा वो देखो बोरा। नीचे हो नीचे नीचे करो पा। ऐसे पीछे दौड़ो, पीछे नहीं दौड़ो, नीचे करो ना पाओ, आराम से बैठो। वे फिजूल का डर रही है। आपको इतना डर लगता है किससे? सारी एक्सरसाइज आज के दिन कर दोगे? सारी खत्म है? पूरे नहीं पहुंचेंगे पाँव उसमें, साड़ी ना लज्जा उसमें। बस बहुत है। ले रहे थे नहीं नहीं बस चलो। हो गई देख। मीशो मीशो हम जा रहे हैं, ठीक है चलते हैं अपन तो। हाँ, चले ओके अब जा रहे हैं हम तो। बाय बाय मीशो, जा रहे हैं हम। ओके चलो फिर चलो। तो पहले आते थे पार्क का, पार्क का बहुत टाइम हो गया। मीशो घर लेके चलो, घर आके गाड़ी आ रही है, पीपी करो मीशो जल्दी से पीपी। आपको ठंड लग जाएगी है ना, उसको फ्रॉक खोल दो अब इसकी है ना, और स्वेटर पहना देती हूँ। ये खोल दू मीशो, ये खोल दू। आज अपनी मर्जी से पहनी है इसने फ्रॉक, ये बोल करके कह के पहनी है कह के।
होती है। चलो लाओ जी चाय दे दो, अभी कभी ध्यान मुझे। नाराज हो गए, बाल लंबे हो गए इसके ना, इसके क्या बालों की ग्रोथ है ना बहुत बहुत धीरे। जब इसके फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था तब इसके बाल मैंने ही काटे थे घर पे ही, पूरे के पूरे साफ कर दिए थे ब्लेड से, बाल ही नहीं आए 5-6 महीने तक, बाल ही नहीं हो गए इसके। 3 महीने के बाद दिखने शुरू हो गए, वो भी पता काट सिर्फ यही है। बालों की ग्रोथ धीरे है ना इसके, क्या बालों की ग्रोथ धीरे है। चलो चलो उसका भी तो फर्क पड़ता है मालिश करने से। क्या हो रहा है ये पता ही नहीं क्या कर रहा है। ओके बाय बाय, देख गिरेगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, देख ले पहली बार। देख लग जाएगी देखो। और बारे मार दी रे। सुनो भाई वाली बात है, लग जाएगी फिर आपके। चलो खड़े हो जाओ, आपको मना करते हैं ना। आप इट्टू आ जा, आ जा। बातें लगती रहती है ऐसे तो। आपका फेस देखो, ये रहा मिशु की आईज, मिशु की नोज एंड मिशु की लिप्स। 6.5 का अंडा है एक है, ठीक है, मैंने 8 अंडे लिए, तो कितने के बैठे? 48 और 3। 3 क्यों? 8 के आधे कितने हुए? 54 रुपए ले लिए मुझसे, 2 रुपए ज्यादा हो गए। 8 अंडे लिए, 6.5 का एक अंडा दिया, 52 होने चाहिए लेकिन 54 रुपीज दिए। यही तो खेल होता है बेटा जी, ये आपके लिए नहीं है बेटा, आपके लिए बड़े रहेंगे ये, छोड़ो उसको, दे दो लाओ। दूध लेके आ रही है। दूध ले लो उसे। अरे मैंने रोका था। हाथ दो, हाथ दो। बार बार आ रही है, मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रही। खड़ो भी खाओ बेटा। सो गाइस, मैं मिशु को खाना खिलाने जा रही हूँ और हम सब ने खाना खा लिया है, सब फ्री है खाना खा के, बस थोड़ा सा काम बाकी है कि जब आएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल यतीन राज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय।